मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। डोंबिवली से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक अवैध इमारत के लिफ्ट के लिए खोदे गए पानी से भरे गड्ढे में 6 साल के बच्चे की डूबने की खबर सामने आई है। बच्चे का नाम वेदांत हनुमंत यादव बताया जा रहा है, जिसकी उम्र मात्र 6 वर्ष है। घटना डोंबिवली के सागरली गांव की है। जानकारी के मुताबिक वेदांत अपने दादा दादी के साथ रहता था और हर रोज़ की तरह ये खेलने के लिए आज सुबह भी घर से निकला था, मगर दोपहर में खाना खाने ये वापस नहीं आया, जिसके बाद दादा दादी और गांव के लोग वेदांत की तलाश में जुट गए। नालों से लेकर कुएं तक वेदांत की तलाश की गई, मगर वेदांत कहीं नहीं मिला। जिसके बाद पास में ही बन रहे एक अवैध इमारत में जब लोगों ने जाकर देखा, तो जो लिफ्ट के लिए गड्ढा खोदा गया था उसमें पानी भरा हुआ था, उसी में वेदांत पड़ा हुआ मिला। जिसके बाद इसमें से लोगों ने निकाला इसे और तत्काल हॉस्पिटल इसे लेकर जाया गया, मगर डॉक्टरों ने वेदांत को मृत घोषित कर दिया है। और मौके पर मानपाड़ा पुलिस भी पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। Thank you.